दोस्तों नमस्कार। आपके लिए बड़ी खबर लेकर आए हैं। इस समय की बड़ी खबर दोस्तों सिंघू बॉर्डर से निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सिंघू बॉर्डर में पंजाब के युवक की बेरहमी से हत्या, अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज हो चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने आपात बैठक बुलाई है। दोस्तों जब से ही किसानों ने तीनों ही कृषि कानूनों का विरोध किया है और दिल्ली की सीमाओं पर अपना प्रदर्शन शुरू किया, तब से ही सरकार कोई ना कोई रणनीति बना रही थी कैसे ही ये किसान वापस चले जाएं और ये जगह खाली कर दें। लेकिन अब यहाँ पर आंदोलन स्थल पर एक बड़ी घटना हो गई है। किसानों के आंदोलन स्थल सिंघू बॉर्डर पर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद उसके सबको किसानों के मंच के पास लाकर लटका दिया गया। मारे गए युवक का एक हाथ भी काट दिया गया। दोस्तों खबर है कि सिंघू बॉर्डर पर मर्डर के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने आपात बैठक बुलाई है और इसे किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की साजिश भी बताया जा रहा है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक में कहा कि यह सब एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। किसानों को बदनाम करने की यह एक कोशिश है। किसान इससे घबरा जाएं और अपने घरों को वापस लौट जाएं, आंदोलन स्थल खाली कर दें, इसीलिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। किसान मोर्चा ने कहा है कि किसान इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं हैं और घरों को वापस नहीं जाएंगे। किसान मोर्चा ने कहा है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और किसानों के आंदोलन के चलते BJP सरकार का जीतना असंभव है और इसी कारण इस तरह की वारदात अंजाम दी गई। दोस्तों ये बड़ी खबर इस समय निकल के आ रही थी। खबर को लेकर आप अपनी राय कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को, जिससे कि आपके दोस्त भी इस खबर को जान सकें। आप सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत